चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर चितावा से है, जहां कुचामन प्रधान सविता चौधरी का गुगड़वार के ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव 2020 में मिली कामयाबी के बाद अब जगह जगह विजयी हुए जनप्रतिनिधियों का ग्रामीण द्वारा स्वागत समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में विजयी हुई जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपने मतदाताओं व शुभचिंतकों और ग्रामीणों को धन्यवाद व आभार प्रकट करने के लिए धन्यवाद पत्र, धन्यवाद यात्रा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। है जानकारी जानकारी के लिए हम न्यूज जानकारी के लिए बता देगी, न्यूज फ्लैश रिपोर्टर परसाराम बुगालिया ने बताया कि कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र के गांवों में गुरुवार को कुचामन की नवनिर्वाचित प्रधान सविता चौधरी और यहां से विजयी हुई भाजपा जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों का माल्यार्पण करके साफा बंधन व शॉल ओढ़ाकर गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया है। वहीं कुचामन की नवनिर्वाचित प्रधान सविता चौधरी ने अपने क्षेत्र में धन्यवाद यात्रा व स्वागत समारोह के दौरान मतदाताओं व ग्रामीण का आभार प्रकट करते हुए कहा कि कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर प्राथमिकता के साथ विकास कार्यों के काम किए जाएंगे। पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी व पूर्व माटिकला बोर्ड अध्यक्ष हरिश्चंद्र कुमावत ने भी ग्रामीणों का आभार प्रकट करते हुए बताया कि नावा विधानसभा क्षेत्र की कुचामन पंचायत समिति में विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। आपको बता दें कि नव निर्वाचित प्रधान सविता चौधरी ने वार्ड संख्या 18 से पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था। गुरुवार को मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए सविता चौधरी प्रधान बनकर ग्रामीणों के बीच पहुंची तो ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही पूर्व माटी कला बोर्ड अध्यक्ष हरिश्चंद्र कुमावत और पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी, उप प्रधान मोहन लाल कुमावत, जिला परिषद सदस्य शंकर सिंह, सुरेश कड़वा, जीवन राम जाखड़, कल्याण सिंह पारिक, पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल, भगवानाराम कादिया सहित भाजपा के विजय हुए समस्त पंचायत समिति सदस्यों व गणमान्य नागरिक का भी भव्य स्वागत किया गया। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट